ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जनवरी मास, वरदानी मास, अव्यक्ति मास, समर्थी मास कहेंगे, जो कि अव्यक्त बाबा का दिवस मनाने का मास। मास आते ही साकार की यादें आ जाती हैं, मानस पटल पे आकर के सारी स्मृतियाँ याद आती हैं, साकार के संग बिताए हुए दिन याद आ जाते हैं। वो दिन भी कितने प्यारे थे जब साकार बाबा हमारे साथ थे या हम बाबा के साथ थे। तो मुझे अच्छे से याद आता है कि जब शिक्षक का रूप मुझे मिला तो एक दिन बाबा ने कहा कि बच्ची ये कुत्ता भगाओ। क्लास के बाद बाबा मेरे साथ चलते थे नीचे तक घूमने और लेक के ढाल तक जाके फिर वापस आते थे हाथ पकड़ के। बाबा ने कहा बाहर का आया इसको भगा दो, पत्थर मारो। मैंने कहा बाबा पांडवों ने कुत्ता पाला और आप कह रहे हैं भगा दो तो पाल लेने यहाँ पर। बाबा ने कहा बच्ची कौन सा कुत्ता पाला तुमको मालूम है? मैंने कहा नहीं बाबा। तो कहा देखो कुत्ते की जो विशेषता होती है कि वो ईमानदार बहुत होता है, मालिक का वफादार होता है, लेकिन उसकी जो पूंछ है वो टेढ़ी रहती है। 6 मास भी नली में डालो तो भी टेढ़ी निकलेगी। तो मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो निश्चय बुद्धि हैं, समर्पित बुद्धि हैं और ईमानदार हैं, वफादार हैं, अथक सेवाधारी हैं, परंतु आज्ञाकारी हैं। पर क्या है कि कुछ ऐसे टेढ़े संस्कार हैं जो परिवर्तन होने में देरी करते हैं। तो वो ऐसे ही कहेंगे कि वो कुत्ते के पूंछ की जैसे समान संस्कार हैं। तो इनको बाबा ने पाला जो गॉड के बच्चे डॉग बन गए हैं, वह तो गॉड गॉडेस के बच्चे। तो ये बाबा ने पाला था और भगवान ने कोई पांडवों ने दूसरा कुत्ता नहीं पाला था। तो ये समझ में आया कि टेढ़े संस्कारों को शुद्ध कैसे बनाएं। उसी दिन से चेक करना शुरू किया कि मेरे कौन से टेढ़े संस्कार हैं।